कभी पास्ट में दिखाता है, कभी प्रेजेंट में दिखाता है, कभी फ्यूचर का थोड़ा सा दिखाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख लिया है द एडम प्रोजेक्ट, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। सो इसका ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ये साईफाई एडवेंचरस फिल्म है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं इसीलिए भी एक्साइटेड थी क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। एंड इसके जो है, मतलब आप हिंदी में भी इसे देख सकते हो, हिंदी में भी डब्ड है एंड इंग्लिश में भी है, तो इट इज़ लाइक ए ट्रीट टू वॉच यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती। सो एक्चुअल में ये फिल्म कैसी है, क्यों आपको देखनी चाहिए, क्या खास बात है इसमें, क्या आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, ये रिव्यू एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू, पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी है यहाँ पे एडम नामक एक युवक की, जो कि यहाँ पे वो प्लेन चलाता है, यानी कि वो एक पायलट है। अब यहाँ पे जो है, एक दिन क्या होता है ना, वो कुछ बदलने के लिए जो है, फ्यूचर कुछ बदलने के लिए वो अपने पास्ट में आता है। पास्ट में 2022 में वो लैंड कर जाता है, जबकि उसे 2018 में लैंड करना था। अब यहाँ पे 2022 में आने के बाद उससे जो है, मतलब उसके बाद क्या होता है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस पूरी फिल्म की। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिए गाइज, अगर आपको टाइम ट्रैवलर, साईफाई, एडवेंचरस टाइप की फिल्म देखने अगर पसंद आए ना, तो आपके लिए ये फिल्म एक बहुत अच्छी वॉच होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में जो है, यहाँ पे एंटरटेनिंग भी है, एंगेजिंग भी है, एंड जिस वे में इन लोगों ने स्टोरी को दिखाई है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत अच्छा मोरल दिखाती है कि भाई, अगर आप किसी भी मतलब चीज़ का अगर गलत इस्तेमाल करो तो कैसा होगा, आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। एंड अगर आपको मतलब अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें अगर किसी गलत इंसान के पास, नहीं तो कोई ऐसी इंसान के पास चली जाए जो कि उसका शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे, तो वो जो है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को एकदम से खाक में मिला सकता है। तो ये वाला मैसेज बहुत अच्छे से दिया गया है, डिलीवर किया गया है। एंड यहाँ पर जो है, एक बॉन्ड भी बहुत अच्छा दिखाया गया है, या बाप का एंड बेटा का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड यहाँ पर एक वैल्यूज़ भी दिखाई गई है कि भाई, हम लोग जो है मतलब अपने रिलेशन, नहीं तो अपने माँ बाप को ऐसे वैल्यू नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में जब हम बड़े हो जाते, नहीं तो उस फेज से निकल के कहीं और चले जाते हैं, तो हमें पता चलता है शिट, हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, तो हमने तो ये सब कुछ बताया नहीं अपने मम्मी पापा को, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को, अपनी कलीग को, कोई भी जो अपने आपके दिल के बहुत करीबी, नहीं तो आपके अपने हैं, तो उन सब से जो है आप जताना मत भूलिएगा कि आप कितना उनसे प्यार करते हो, नहीं तो आप उनसे ये बताना मत भूलिएगा कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। तो वो वाला प्लॉट लाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ पे जो गाइस, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू मतलब साईफाई फिल्म है, एंड इसका प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ा हाई ही होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस। एंड यहाँ पे जो मैंने जैसे बोला कि आपको सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लिटरली आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी है। क्या कैमरा वर्क है, आप देखोगे मतलब आप एकदम से फ्लैट हो जाने वाले हो, आप बहुत बड़े फ़ैन हो जाओगे इस फिल्म के, बहुत ज़्यादा अच्छा है कैमरा वर्क। और यहाँ पे जो है और एक अच्छा प्लस पॉइंट यही है फिल्म का, कि फिल्म जो है 1 hour 40 minutes की ही है, उससे भी कम है अगर एंड क्रेडिट्स एंड स्टार्टिंग क्रेडिट छोड़ दो, तो आपका इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी, क्योंकि अगर आप वीकेंड में कहीं घूमने भी जा रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, तो आप इस फिल्म को ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एडवेंचरस टाइप की फिल्म देखना पसंद है, एंड अगर आपको भाई मतलब ऐसे टाइप की चीज़ें ही अच्छी लगती है कि भाई VFX, साईफाई, वो सारी चीज़ें, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग करेगी। और VFX की बात हो ही रही है, तो VFX भी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे कास्ट के काम की। तो यहाँ कास्ट में रेयान रेनॉल्ड्स, जेनिफर गार्नर, जोई सोल्डाना, मार्क रुफेलो एंड ब्रैक्सटन बिजरकर, इन सब का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिंग मतलब रोल में हैं, जिनका काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं हम यहाँ डायरेक्शन की। तो शॉन लेवी का जो डायरेक्शन है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिस वे में उन्होंने पास्ट एंड प्रेजेंट का एक ट्रांजिशन पीरियड दिखाया है, जिस वे में उन्होंने पूरी स्टोरी को डायरेक्ट किया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पे पास्ट एंड प्रेजेंट का एक ट्रांजिशन भी दिखाया गया है स्टोरी में। नॉन लीनियर टाइप का स्टोरी चलता है, कभी पास्ट में दिखाता है, कभी प्रेजेंट में दिखाता है, कभी फ्यूचर का थोड़ा सा दिखाता है, तो वो वाली स्टोरी लाइन आपको अच्छी लगती है एंड अच्छा एक होल्ड रखता है, मतलब यहाँ पे एंगेजिंग है, यहाँ डिप नहीं हो रहा, नहीं भाई, बहुत अच्छे वे में अच्छे
सेम पेस में ही चलती है स्टोरी, जो कि अच्छा लगा मुझे देख के एंड आपको भी एंगेजिंग लगेगी। तो अब बात करते हैं हमें रेटिंग्स की। देखिए गाइज, मैं पर्सनली बोलूँ, मैं रियलिस्टिक सिनेमा में बिलीव करती हूँ, मैं साईफाई ये सब नहीं देखती, लेकिन एक्चुअल में मुझे ये जो फिल्म है वो अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा एंड सारे एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स से भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखिए। सो मैं इसे रेट करती हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। सो कैसे लगी आपको ये फिल्म की रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने देख लिए तो आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आज मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ GTA V को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो मेरे वीडियोज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं रैंडमली पिक करके आपको शाउट आउट दूंगी। सो मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।